जीवन में सुख और दुख लगातार आते रहते हैं, समस्याएं आती है तो वहां सफलता भी आती है, सफलताओं से व्यक्ति हर्षित होता है तो समस्याओं से व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन दुखी होने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जहां ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो परिस्थितियां भी बदलती है, आज जो अच्छा है वो कल बुरा हो सकता है और आज जो आपके लिए बुरा है वो कल आपके लिए अच्छा हो सकता है, अतः समय निरंतर बदलता रहता है। समय को देखने का, समय को जानने का ही एक माध्यम है, वह है ज्योतिष। यदि आपने जीवन में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना है, यदि जीवन में बहुत बड़ी समस्या उसका समाधान ढूंढना है, आगे भविष्य में क्या आपको करना चाहिए, किस रूपरेखा पर, किस मार्ग पर आपको चलना चाहिए, आपने जीवन की जो भी समस्या है उसका हल ढूंढना है, तो समय निकाल करके मिलिए। मैं जनवरी 2020 में इन शहरों में आपको मिलने आ रहा हूं। जनवरी 2020 का मेरा शेड्यूल है, 3 जनवरी को दिल्ली में, 4 जनवरी को लखनऊ में, 5 जनवरी को पटना में, 6 जनवरी को वापस दिल्ली में, 10 जनवरी को मुंबई में, 11 जनवरी को पुणे में और 12 तारीख को फिर से मुंबई में, 17 से 18 जनवरी मुंबई शहर में, 19 जनवरी को अहमदाबाद में, 24 जनवरी को दिल्ली में, 25 जनवरी को चंडीगढ़ में, 26 को वापस दिल्ली में और 31 जनवरी से 2 फरवरी तक कलकत्ता में मैं आपको मिलूँगा। यदि आप इन शहरों के आसपास रहते हैं तो समय निकाल करके मिलिए। यदि आप मिल सकते हैं तो उससे अच्छी कोई स्थिति नहीं हो सकती जब आप और मैं और बीच में होगी आपकी कुंडली और आपके जीवन के बारे में जो भी समस्याएं हैं उनका डिटेल में हम विश्लेषण करेंगे। और यदि मिलने में असमर्थ हैं, वहां तक पहुंचने में असमर्थ हैं, तो फिर इसका दूसरा अल्टरनेट है, वह है टेलीफोनिक कंसल्टेंसी। तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए आपको अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो प्रोसेस कंप्लीट होते ही आप और मैं फ़ोन पर बात कर पाएंगे। यदि आप कहीं भी रहते हैं, कोई भी कंट्री में रहते हैं, अपनी कंट्री का आपने कन्वीनियंट टाइम बताना है। हो सकता है इंडिया में रात को 2 बजे होंगे, फिर भी मैं आपकी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए आपसे बात करूँगा। उसमें आपने ये नहीं सोचना है कि इंडिया में क्या टाइम होगा, पंडित जी की रात खराब हो रही होगी या उनको कष्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आपका जीवन इंपॉर्टेंट है, ये मेरा प्रोफेशन है, मैं इस प्रोफेशन को सही ढंग से करने के लिए दिन के 24 घंटे भी काम कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। श्री गणेशाय नमः। यूं तो रिश्ते का अपना महत्व होता है, मगर पत्नी पत्नी का रिश्ता बेहद नाजुक और पवित्र होता है। पति पत्नी के रिश्ते को एक ही गाड़ी के 2 पहिए भी कहा गया है, जिसमें 1 पहिया भी खराब हो जाए तो गृहस्थी की गाड़ी बिगड़ जाती है। इसलिए पूर्णतः एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर जीने से ही संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। सफलता के शिखर पर वही व्यक्ति पहुंचते हैं जिनके घर में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलता है। जब तक व्यक्ति घर से संतुष्ट नहीं होगा वो बाहर भी सफल नहीं हो सकता। घर में शांत वातावरण तब ही मिल सकता है जब पत्नी सुलक्षण हो, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने वाली हो, पति के सुख दुख को भागीदार हो, त्याग प्रेम सेवा सहिष्णुता धैर्य तथा क्षमा की मूर्ति हो। जो अपनी सद्वृत्तियों को द्वारा पति के लिए उन्नति के शिखर पर पहुंचने के मार्ग खोल दे, यही सब कुछ पति के अंदर भी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह प्रेम स्नेह भाव अनुसार मैत्री करुण उत्साह आदि मधुर भाव पति में हो तो वो घर स्वर्ग के समान बना जाता है। यही आधार है सुखमय दाम्पत्य जीवन का। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल तथा आज के दैनिक राशिफल के नए एपिसोड में। आज मैं सबसे पहले उन सभी को बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका आज जन्मदिन, शादी की सालगिरह या कोई विशेष यादगार सफलता का दिन है। आज सुबह पहले मैं आपको ग्रह स्थिति बता देता हूं। चंद्रमा वृषभ राशि में, राहु मिथुन राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में स्थित है। धनु राशि में 5 ग्रह सूर्य बुध गुरु शनि और केतु विराजमान है। शुक्र मकर राशि में विराजमान है आज के दिन, तो आज सुबह से ही वृष में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। इससे वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि, इन सबको शुभ परिणाम मिलेंगे। वहीं पे जिनको सावधानी रखने की जरूरत है, थोड़ा सावधान रहकर के आज का दिन गुजारने की जरूरत है, वो है मिथुन राशि, तुला और कुंभ राशि।
इन ग्रह स्थिति के संदर्भ में आइए अब जानते हैं कैसा रहने वाला है 7 जनवरी का दिन। तो आइए अब बात करते हैं मेष राशि से। तो आज आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उत्साह से भरे रहेंगे। आज सेहत से संबंधित कोई भी मसला आपको परेशान नहीं कर सकता। वहीं पे आपका मन अधिक ग्रहणशील और सामान्य से अधिक सचेत रहने वाला है। यदि आप सार्वजनिक कल्याण के लिए काम करते हैं, यानी कि सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं, एनजीओ के लिए काम करते हैं, तो आपको व्यक्तिगत पूर्णता का आज अनुभव होने वाला है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहसबाजी में आज के दिन उलझ सकते हैं, इसकी भी संभावना है। थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखें और कोई भी ऐसी सिचुएशन देखें तो उसको कामली आराम से जाकर के हैंडल करने की कोशिश करें और ना ही आक्रामक रूप में आने की कोशिश करें। आज का दिन आपके लिए व्यर्थ की यात्राएं जीवन साथी के साथ गलतफहमी और भावनात्मक आवेग लाएगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे और आपको कार्यालय में प्रमोशन भी दे सकते हैं। नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए, नए आइडियाज़ को आगे पुश करने के लिए, नई प्लानिंग्स को पुश करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आप एक लंबे समय से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, किसी बात के होने का इंतज़ार कर रहे थे या किसी सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो आज आपको हासिल हो जाएगी। आज के लिए आपका लकी रंग है ग्रीन और आपका लकी नंबर है नंबर 3। आइए बात करते हैं वृष राशि की। तो आज आपकी राशि से प्रथम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव तो रहेगा ही आज पूरे दिन, उसके साथ ही अपने आप को अधिक थकावा महसूस करेंगे। छोटी मोटी बीमारियां हैं, थकान की संभावना तो बन रही है आज के दिन, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मौसमी बीमारियों से अपने आप को सावधान रखना चाहिए और सही समय पर सही गोली लेकर के अपने आप को जितना हो सकता है इस बीमारी से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। एलर्जी और वायरल संक्रमण के प्रति ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और वहीं पे आज संतोषजनक महसूस करेंगे और हर किसी के प्रति गर्म जोशी से पेश आएंगे। नए मित्र बनाने से आज के दिन आपको ज़रा बचना चाहिए। कौन कैसे आपकी ज़िंदगी में उतर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा सही से एक बार सोचें और अध्ययन करें कि क्या कहीं आपका फ़ायदा तो उठाने की कोशिश नहीं की जा रही। आप आज क्या कहते हैं इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। ऑफिस के अंदर कहीं हो सकता है बिना बात के कोई फीमेल कॉलीग है, फीमेल कॉलीग के साथ में आप बात कर रहे हैं और गलती से मुंह से कुछ इनअप्रोप्रिएट निकल गया, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन बन सकती है आज के दिन। आपका कोई करीबी आपके राज भी आज खोल सकता है। हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड ने मजाक में कुछ बात करनी शुरू की और जिसके अंदर गलती से मुँह से आपका कोई सीक्रेट था वो फोड़ दिया। आज कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको बचना चाहिए। कहीं पे शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो उससे बचे, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो उसके लिए आप सिक्योर्ड रहेंगे। व्यर्थ वस्तुओं पर अनावश्यक खर्च आज के दिन हो सकते हैं। बिना बात के लग्जरी आइटम कुछ हुआ, घड़ी लेने चले गए, अच्छा महंगा पेन लेने चले गए या तो फिर कपड़े लेने चले गए, तो ऐसा कुछ भी किया तो आज अपनी जेब के अंदर बहुत ही बड़ा छेद कर बैठेंगे आप। आपको कार्यस्थल पर अधिक जिम्मेदारी आज लेनी पड़ेगी, जिसके कारण आपको अपने आप, आपके सीनियर्स हैं वो पहचानेंगे, उनकी आंखों में आप आ जाएंगे और मालूम चलेगा कि आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है। रात में सफ़र करना और लंबी यात्रा करने से आज के दिन आपको ज़रा बचना चाहिए। समय आपके पक्ष में नहीं है, इस बात को समझते हुए भाग्य पर निर्भर नहीं रहना है, कर्म करना है, जितना हो सकता है उतना काम करके आगे बढ़ना है अपने आप को। और अगर कोई नहीं आपको अप्रिशिएट करता, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करता है, तो ज़्यादा समय तक उस जगह पर टिकने की ज़रूरत नहीं है। अभी सही से रिकग्निशन नहीं मिला है, आपकी कैपेबिलिटीज़ को सही से पूरा यूटिलाइज़ नहीं किया है, या हर कोई आपको सिर्फ एक ही चीज़ पूछ रहा है कि आपकी वर्थ क्या है, तो इसमें ज़्यादा बेटर आपके लिए ऑप्शन एक ही रहेगा। फटाफट से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, कहीं ऐसी जगह जाने की कोशिश कीजिए जहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जाए। आज के लिए आपका लकी रंग है रेड और आपका लकी नंबर है नंबर 8। तो आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो आज आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा विचरण कर रहा है। अब उसके वजह से क्या क्या आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपकी सेहत पर आज अटैक होगा। बिना बात जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा फील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थे, तो अचानक से उस एनर्जी में बहुत ही बड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आज के दिन दिख रही है, पर अगर सही से आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप का ख्याल रखते हैं, तो इसमें कोई चिंता करने की बात ज़्यादा देर दिखेगी नहीं। आज आप काफ़ी फुर्तीले तो बने रहेंगे और आतुर भी रहेंगे। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आज आपको परेशान कर सकती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के मारे अगर जो आप काम कर रहे हैं वो नहीं हुआ, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हुआ, तो अचानक से डीप स्लंप में पड़ सकते हैं। सोच सकते हैं कि क्या मैं कर रहा था वो सही था या नहीं, खुद पर सेल्फ डाउट करना शुरू कर सकते हैं।
आपका उपजाऊ दिमाग जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ देता है। तो मार्केटिंग फील्ड वाले जो लोग हैं, जो मार्केटिंग से कुछ काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज में है या तो प्राइवेट ऑफिसेज में, आज दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा संभल करके चलने का दिन है। बिना बात के कोई भी आपका आइडिया ऐसा ना हो जो अचानक से आपकी कैपेबिलिटी पे अटैक कर दे। सारे के सारे जो आपकी मीटिंग में बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, वो बोले हैं कि आप इतने बड़े होकर के या जिस पोजीशन पे आप हैं उस पोजीशन पे होकर ऐसी कैसी बात कर सकते हैं। आज परिवार से तो आपको खुशी मिलेगी और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा, घर में शांति रहेगी और उसी के साथ में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत हलचल आपको आज देखने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला है और बिजनेसमैन और दुकानदारों के लिए आज का दिन थोड़ा खराब रह सकता है। आपको जो फुटफॉल आप देख रहे थे, वापस अब वीकडेज शुरू हो चुके हैं तो आप सोच रहे हैं कि वापस ऑफिस के अंदर फ्लो अच्छा बनना चालू कर देगा, पर जो आपके एक्सपेक्टेशंस है उतना आज शायद पॉजिटिव ना हो पाए। तो इसी के चलते किसी भी दुर्घटना से, खुद के मुख से कुछ भी गलत बोलने से, चाहे आपका क्लाइंट हो चाहे आपका वेंडर हो, कुछ भी गलत बोलने से आज अपने आप को रोकना है। तो इसी के चलते आज आपके लिए लकी रंग है पिंक और आपका लकी नंबर है नंबर 7। बात करते हैं कर्क राशि की। तो आज आपकी राशि से 11वां चंद्रमा है, एकादश भाव में चंद्रमा विचरण कर रहा है, जिससे चिकित्सा निदान पर कुछ पैसे खर्च आप कर सकते हैं। हो सकता है कि बिना बात के कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है, अचानक से वायरल हो गया है, जो वापस रिकवर नहीं कर पा रहे, उसके चलते आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है और वहाँ पर अच्छा खासा बिल बन सकता है। खाने की आदतों में आपकी जो लापरवाही काफ़ी समय से चल रही है उसको अब सुधारने की ज़रूरत है। जो इतने समय से कुछ भी खा रहे थे, कैसे भी खा रहे थे, सर्दी के मौसम का फ़ायदा उठा रहे थे, आज उस बातों को छोड़ करके बंद करना पड़ेगा। अपने विचार और मत अपने पास में ही रखें, बिना बात के किसी दूसरे के पंगे में बिना बात जा कर के आज डिसीजन या तो फिर उनके झगड़े को सुलझाने की कोशिश ना करें। अपने वैवाहिक जीवन को भी नज़रअंदाज आज के दिन आप कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए है, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा समय व्यतीत करें। चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल है, कितना भी बिजी ऑफिस से आप आए हैं, थके हुए हैं, पर तो भी दो अच्छी बात करके उनके साथ में कहीं बाहर वॉक के लिए भी जाएं, तो अपने आप देखेंगे कि वातावरण वापस सही होना शुरू हो जाएगा। अस्थिरता आपके व्यवसाय में आज बाधा उत्पन्न करेगी। जो अनसर्टेनिटी है वो अपने आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर चुकी होगी। जो एक मुश्किल समस्या आपके सामने आई है, काफ़ी समय से आप उससे भागने की कोशिश कर रहे थे, आज वो फिर से सामने आ डुबकी है और उससे आज भाग करके आप नहीं निकल पाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर यही है उसका सॉल्यूशन निकालें या तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करें उसके साथ में। आज के लिए आपका लकी रंग है गुलाबी और आपका लकी नंबर है नंबर 5। तो आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आज आपकी राशि से दशम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी और गैस कष्ट दे सकती है। अधिक खाने से आज पेट के रोग भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से शायद एक सीरियस कॉज जो हो सकता है वो फूड पॉइजनिंग का बन सकता है। आपके बच्चों की वृद्धि और प्रगति आपको आज खुश करेगी और गौरवान्वित बनाएगी। उसी के चलते आपको ऐसा भी फील होगा कि आपके बच्चे आपके आने वाले फ्यूचर के अंदर आपका सपोर्ट भी बनेंगे, उसी के साथ में आपका नाम और ज़्यादा ऊपर पहुँचाएंगे, आपके घर का चिराग कहलाएंगे। आज आप काम और मनोरंजन को एक साथ मिलाने की भी कोशिश करेंगे। ऑफिस के अंदर हैं तो कुछ ना कुछ आज एक्टिविटी प्लान करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर फन भी हो जाए उसके साथ में काम भी निकल जाए। आप सक्रिय रूप से किसी मंगल कार्य में आज भाग ले सकते हैं। परिवार के ज्येष्ठ सदस्य आपके घर आपसे मिलने भी आएंगे, जिसके चलते परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ मेल मिलाप में आप व्यस्त रहेंगे और घर में खुशहाली और शांति का वातावरण बना रहेगा। आज कार्यस्थल पर अत्यधिक सक्रियता और गतिशीलता रहने वाली है। जिम्मेदारी के साथ साथ काम का भारी बोझ आपके धैर्य और क्षमताओं की परीक्षा लेंगे, लेकिन अंत में आप अपने उत्साह और काबिलियत को साबित करने और विजेता के रूप में उभरने में सफल रहेंगे। आज के लिए आपका लकी रंग है गोल्ड और आपका लकी नंबर है नंबर 1। बात करते हैं कन्या राशि की। तो आज आपकी राशि से नवम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है, जिसके चलते और आप सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आवश्यकता से अधिक खाने से बचना चाहिए और शांति और सामंजस्य की भावनाएं आज के दिन बनाए रखनी है अपने मन में। अनावश्यक वाद विवाद जो आसपास में हो रहा है, बिना बात का किसी का झगड़ा हो रहा है और तनाव से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। आज के दिन आप अपने प्रेम संबंधों को भी प्रभावित करने में सफल रहेंगे। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में खुश और संतुष्ट बने रहेंगे, बच्चों के साथ प्यार का रिश्ता बना रहेगा और आज व्यापारियों और पेशेवर लोगों के बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। प्रॉफिट्स
और कस्टमर्स दोनों में आज आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। फुटफॉल भी ज्यादा होगा, जिसके चलते आपके जो मार्जिनल प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी आपको काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति जो हैं, जो आपके सैलरी लेकर के काम करते हैं, तो उनको सैलरी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। उसी के साथ में कुछ जो आप में से बहुत ही ज़्यादा, जिनके लिए आज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डे मैं बोल सकता हूँ, उनके लिए प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं। आज सफ़र करने के लिए एक अच्छा दिन है, और अगर ये सफ़र आपके लिए हो रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो उसके अंदर भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए आपका लकी रंग ग्रीन और आपका लकी नंबर है नंबर 2। तो आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आज आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आज आपको नई ऊर्जा तथा आशावाद का एहसास होगा, पर वहीं पे थोड़ी नेगेटिविटी आपको पूरे दिन घेरे रहेगी। जहां पे आप सपोर्ट के लिए सोचेंगे मित्रों के साथ में, तो वहां पे मित्रों से सपोर्ट नहीं मिलेगा। वहीं पे परिवार के अंदर अचानक से किसी नए सदस्य का आना या फिर किसी परिवारजन का दूर दराज कोने से आना, आज के दिन घर में अस्थायी रूप से अशांति फैला सकता है, आप सबको परेशान कर सकता है, क्योंकि अचानक से अनप्लान्ड कोई विजिटर जो आया है वो आप सबकी दिनचर्या जो है, जो नॉर्मल आपका डेली रूटीन है, उसके अंदर भी लेकर के आप सबको चेंज करने पर मजबूर कर देगा। वहीं पे ऑफिस की भी आज के दिन स्थिति देखी जाए तो ऑफिस के अंदर आज कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई आपके आसपास में आपके लिए खराब करने को तुला हुआ है, आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, जो आप काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट छीनने की कोशिश कर रहा है। पर इस दिन के लिए एक सिल्वर लाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आप सभी के लिए, जहाँ पे आपका दाम्पत्य जीवन जो है, प्रेमी प्रेमिका के लिए जीवन जो है, जीवन साथी के साथ में जो जीवन है, वहाँ पे आपके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मधुर रहेगा। जहाँ पे आप पूरे दिन से थके आ रहे हैं, वहीं पे घर पे पहुँचते ही कुछ दो मीठे बोल अपने आप आपके पूरे दिन को वापस सही कर देंगे। तो आज के लिए आपका लकी रंग है येलो और आपका लकी नंबर है नंबर 5। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आज आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आपको गर्दन के निचले हिस्से, कंधे और बाहों में दर्द हो सकता है। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य भी आज तनाव का कारण बन सकता है आपके लिए, और आप आलोचना के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील रहेंगे। कहीं पे किसी ने कुछ बोल दिया तो बिना बात फट करके सामने आ जाएंगे और बोलेंगे, ऐसा बोला तो बोला कैसे। यहीं पे इसी के चलते आज पिता के साथ में मतभेद भी होने की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। इसके लिए उपाय क्या है, इसके लिए आप इस एपिसोड के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको एक बहुत ही सटीक और बहुत ही ट्राइड उपाय आपको बताऊंगा। आज आप अपने आप को कई बातों से घिरा महसूस कर सकते हैं, तनाव में वृद्धि होगी और वहीं पर चिड़चिड़ापन रहेगा पूरे दिन। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद होने की भी संभावना बन रही है, पर विवादों को निपटाना या कर्ज चुकाने के लिए आज पैसा खर्च करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। अचानक से उत्पन्न फाइनेंशियल मुद्दे और समस्याएं आपको परेशान भी आज के दिन कर सकती है। वहीं पे यात्रा कष्टप्रद रह सकती है, बिना बात जहां पे कंफर्ट में आप जा सकते थे, भीड़ भड़ाके में जाना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगे। यहीं पर कुछ ना कुछ आज यात्रा के दौरान आपके थ्रू चोरी भी हो सकता है। यात्रा करते समय थोड़े से अपने आप को सतर्क रहें, सावधान रहें, कहीं पे कोई जेब कतरा आसपास में ना घूम रहा हो, या खुद घूमते हुए अपना कोई डॉक्यूमेंट या पैसे कहीं छोड़ के ना चले जाएं। आज आपके लिए अनुकूल दिन नहीं है, इस बात को समझते हुए सावधानी से तो बिताने की ज़रूरत है, पर एक पॉजिटिव आउटलुक रखने की ज़रूरत है। हर चीज़ की एक सिल्वर लाइनिंग होती है, उस सिल्वर लाइनिंग पर ध्यान रखने की आज ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी रंग है कॉपर और आपका लकी नंबर है नंबर 3। बात करते हैं धनु राशि की। तो आज आपकी राशि से छठे भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप ऊर्जा का आवेग अनुभव करेंगे। आप आज मित्रतापूर्ण और हसमुख परिवेश में रहेंगे, आपका मित्रों और परिवार के साथ जश्न मनाने का मन करेगा, और वहीं पे प्रसन्नता का बोध चरम सीमा पर होगा। आपके व्यक्तित्व में एक भावनात्मक गहराई होगी और जो फलदायक भी रहने वाली है। आज सामाजिक गतिविधि में या फिर सोशल गैदरिंग की बात करें तो उसमें आप बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रहेंगे। अपने नए घर, संपत्ति या वाहन में आज आप निवेश कर सकते हैं और उसकी योजना भी बना सकते हैं। अगर अभी तक आप एंड डिसीजन पे नहीं पहुँचे तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको और प्रॉपर्टीज़ या तो फिर वाहन देखने की ज़रूरत है तो। आप अपने प्रियजनों के साथ अपने भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। आपको कोई एक ऐसा अवसर भी मिल सकता है जो आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा बेहतर संभावनाओं के दरवाजे खोल देगा।
बिजनेसमैन को अपने कार्य का विस्तार करने के लिए नए अवसर आज के दिन प्राप्त होने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटी सामने आने वाली है, बस इंतजार है तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को पहचानने का और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने का। भाग्य आज काफी हद तक आपके पक्ष में रहने वाला है, वहीं पे हर किसी से प्यार मिलेगा, ऑफिस के अंदर टकराव खत्म होगी, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आज के लिए आपका लकी रंग है रेड और आपका लकी नंबर है नंबर 1। बात करते हैं मकर राशि की, तो आज आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जिसके चलते और आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कहीं अगर आप प्लान कर रहे थे लंबी सैर पर जाना, लंबी वॉक्स पे जाना अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, या तो फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाना, तो वो भी आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज प्रतिकूल परिस्थितियों पर साहस और विश्वास के साथ विजय प्राप्त करने के लिए आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करें। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको नए मिल के पत्थर हासिल करने के लिए सहायता करेगा। पारिवारिक जीवन संतोषजनक रहेगा और आपका जीवन साथी आपका सहायक सिद्ध हो सकता है। जीवन साथी जो कि जीवन के लिए साथी है, वो आज टोटली आपके लिए समर्पित है। आप जो बोलेंगे, जहां पे आपको कहीं पे प्रॉब्लम है, वहां पे वो सहायता के लिए सबसे पहले आएंगे। आपका वैवाहिक जीवन एक खूबसूरत मोड ले सकता है आज के दिन, और दोस्तों के साथ रुचि, अनुभव और विचार बांटने से आपका उत्साह और ज़्यादा बढ़ेगा। आज मजबूत और विश्वसनीय सूझबूझ के चलते वित्तीय मामलों में यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स में आपके निर्णय लेने के लिए आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। आज के लिए आपका लकी रंग है ब्लू और आपका लकी नंबर है नंबर 3। बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा विचरण कर रहा है, जिसकी वजह से आज आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अधिक तंदुरुस्त और ऊर्जावान पाएंगे। आज आप पर विश्राम और स्वतंत्रता की भावनाएं हावी होंगी, जिसके चलते आपका तनावपूर्ण मुकाबला या सतह परिस्थितियों से बचने की प्रवृत्ति रहेगी। आप अपने साथी के साथ काफी जोशीले और स्नेह भरे रिश्ते का आनंद उठाएंगे। आप अपने परिवार और दोस्तों द्वारा आपके लिए बनाई गई योजना के प्रवाह में बहने का लुत्फ भी उठाएंगे और वहीं पर घर में आए मेहमान आपकी शाम को और मनोहर और उत्कृष्ट बना देंगे। यदि आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा यानी कि क्रिएटिव टैलेंट्स का समुचित प्रयोग करें तो आज ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद प्रूव हो सकता है आपके लिए। आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायक सिद्ध हो सकता है। भाग्य आज आपके पक्ष में है और आप वास्तव में जो कुछ करना चाहते हैं उसे करने का आपको उपयुक्त अवसर आज प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी रंग है ब्राउन और आपका लकी नंबर है नंबर 2। बात करते हैं अंतिम राशि की यानी कि मीन राशि की। आज आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठा पाएंगे। आप सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, जीवन शैली बदलने के लिए प्रयास करेंगे और वो सफल भी होंगे। कहीं हो सकता है आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, योगा स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी। नया साल आ चुका है, न्यू ईयर न्यू मी के चलते आप भी अपने आप को चेंज करने के लिए दौड़ में लग चुके हैं। शांत रहें और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे आप एक तरफ से नई कोई एक्टिविटी हैंडल करना चाहते हैं, कोई नई एक्टिविटी लेना चाहते हैं, वहीं पे ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है जो ऑलरेडी जीवन में चल रहा है, कहीं उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। आप आज प्यार के विषय में शांत और यथार्थवादी महसूस करेंगे और अपने सबसे पुराने, सबसे अधिक विश्वसनीय दोस्तों के साथ होना पसंद करेंगे। आपको अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का आज मौका मिलेगा और आज आपको अनुकूल और लाभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। किसी दोस्त या जीवन साथी के माध्यम से आय के यानी कि इनकम के और नए सोर्सेज आज आपको मिल सकते हैं। आज के लिए आपका लकी रंग है पर्पल और आपका लकी नंबर है नंबर 1। तो ये तो हुआ आज का राशिफल। अब बात करते हैं 15 जनवरी की यानी कि मकर संक्रांति की। तो आने वाले समय में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्य पर्व आने वाला है। आप इस पर्व का लाभ कैसे उठा सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप हार्ट डिजीज से, आई डिजीज से, पिता से मतभेद, फैमिली के अंदर मतभेद, माता पिता से मतभेद चल रहे हैं, पिता के साथ में पर्सपेक्टिव मैच नहीं करता, हमेशा एक अजीब सा माहौल बना रहता है, एक अजीब सा फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, तो उसके लिए यदि हाँ, इन सब के लिए आपका आंसर हाँ है तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। मनुष्य के शरीर अपने आप में सारे सृष्टि क्रम को समेटे हुए है और जब ये क्रम बिगड़ जाते हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। भगवान राम के पूर्वज सूर्यवंशी महाराज राज्यवर्धन ने सूर्य के उपासना कर दीर्घ आयु प्राप्त की थी। श्री कृष्ण के पुत्र साम की सूर्य उपासना से ही कुष्ठ रोग से उन्हें निवृत्ति मिली थी। समस्त शक्तियों के जनक सूर्य ही है। मकर संक्रांति को सूर्य की पूजा उपासना साधना से
जातक के जीवन में नवीन ऊर्जा, तेजस्विता, आरोग्य प्रदान करती है। और जातक की जड़ता, आलस्य और हीन भावनाएं सूर्य के प्रचंड ताप से भस्म हो जाती हैं। यदि आप भी ऐसे ही किसी रोग से, पिता के साथ में मतभेद से, अपने आपके ऑफिस के अंदर जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे डिमोटिवेटेड फील करते हैं, जो आपको ड्यूटीज चाहिए थी, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए थी, उससे आपको वंचित रखा जाता है, तो इस मकर संक्रांति पर आपको विशेष उपाय करना चाहिए मकर संक्रांति कलश के माध्यम से। इस उपाय में आपको क्या करना है, क्या पूजा करनी है, क्या मंत्र जाप करना है, किस माला से करना है, किस विधि विधान से करना है, क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता रहेगी, इसका संपूर्ण विधि विधान और संपूर्ण सामग्री भी इस कलश में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इस मकर संक्रांति कलश को पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ में आज्ञा दीजिए, कल फिर डेली राशिफल लेके आप सभी के समक्ष आऊँगा और बतलाऊँगा कैसा रहने वाला है 8 जनवरी का दिन आप सभी के लिए। मैं हूँ मोहित कमल श्रीमाली, आपका आज का दिन शुभ, मंगलमय एवं सफलताओं से भरा हुआ हो। आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद एवं जय हिंद।